पाप का तांडव फिर से उठा, जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता, देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। गरजे तो कापे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आपने देखा, दूसरी मिसाइल की चोरी करने के बाद मिस मैग्नेटो और लिंडा मिसाइल देखने गोडाउन में आते हैं, पर मिसाइल में छिपे कमांडो उन पर हमला करते हैं। मिस मैग्नेटो और लिंडा अपनी जादुई शक्ति से उन्हें बंदी बना लेते हैं। टीवी पर मिसाइल और कमांडोज के गायब होने की खबर सुनकर गौरव प्रोफेसर बर्नांडो से मिलने जाता है, जहां प्रोफेसर बर्नांडो उसे मिस मैग्नेटो की शक्ति के बारे में बताते हैं। जंगल में जूनियर जी का मुकाबला फिमैंचो के एक और सैनिक मेटल मैन से होता है। मिस मैग्नेटो परदेसी एजेंट्स को मिसाइल्स दिखाती है, वहीं पर हारा हुआ मेटल मैन आ जाता है। अब देखते हैं आगे। क्या हुआ, तुम्हारे मैग्नेटिक रॉड्स कहाँ हैं? किसके ये हिम्मत कि तुमसे टकरा सके? एक बच्चा जो अपने आप को जूनियर जी कहता है। ओ, जूनियर जी, तो शिकार जाल में फंसना चाहता है। वो कोई मामूली बच्चा नहीं है मिस मैग्नेटो, उसकी ताकत से तो मैं हैरान हूँ। वो कितना भी ताकतवर, पर कैप्टन किलर के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं। कैप्टन किलर? हाँ, 10 हाथियों की ताकत वाला 2 हाथियों को गेंद की तरह उछाल सकता है, जिसकी ताकत का तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं। जब चलता है तो लगता है कि धरती हिल रही है। वही समझ लो रावण का भाई कुंभकर्ण। कहाँ जाओ, कुछ समझ में नहीं आता। काटे,
नहीं आता। कहाँ मर गया रे? अरे ना दुआ ना सलाम, आते ही शुरू हो गए। अरे कुछ नमस्कार चमत्कार तो करो। काला कौवा मेरी खोपड़ी को काटे। अरे छुपचुदर, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। मेरा नाम कैप्टन किलर है। सारी दुनिया मुझे सलाम करती है और मैं तुझे सलाम करूँ। अभी बताता हूँ। किधर गया? किधर गया? कैप्टन किलर लगता है इसको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है।
वेलकम वेलकम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने आपके हवाई जहाज के आने के बाद कैसे हैं ग्रेट हिमांशु? ठीक है, आप सुनाए आप कैसे हैं? और धरती पर आने के आपने कैसे तक? हमें आपकी मदद चाहिए। हिमांशु बेशक आपके महबूब और दोस्तों के लिए हमारे दरवाजे फरमाइए, हम आपके लिए। हमें धरती चाहिए ग्रेट हिमांशु, और शुरुआत हम आपके देश से करना चाहते हैं। इसे जीत कर हम आपको यहाँ का राजा बना देंगे। well said. Well said, well said. उस आगे की मांग चाहता हूँ, आप ये काम सिर्फ मुझे सही क्यों करना चाहते? किसी भी लंका को जीतने के लिए विभीषण का होना बहुत जरूरी है। महाबली रावण और दुष्ट विभीषण की चर्चा होती है। जी हाँ, हम सब जानते हैं। अब आप ये बताइए कि आप हमारी मदद करेंगे? बेशक राजकुमार, बेशक। तो क्या मैं इस देश के भारतीय राजा से हाथ मिला सकती हूँ? हाथ? राजकुमारी साहिबा के लिए विशेष महल का बंदोबस्त करो। अच्छी, इनके आराम का वक्त हो गया है। लिंडा, कम डालिए। हमारे सैनिक एक दो दिन में पहुंच जाएंगे। उनकी आप फिक्र ना करें, फिलहाल आप आराम करवाएं और लिंडा के साथ बैठकर आगे की योजना आगे योजना राजकुमारी साहिबा। चलो लिंडा। कमांडोस को छुपाया कहाँ है? ओ, तो माही है। कब से मुझे तुम्हारा इंतजार? अब देखती हूँ मैं कैसे बचता है तू मेरी पावर से। Thank you.
नहीं पकड़ सकते जूनियर जी। तुम मिस मैग्नेटो की पावर को नहीं जानते। तुम जैसे तो कईयों को मैंने मौत के घाट उतारा है। बारह साल का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा। ग्रेट विमानों के सैन को वो बार बार धूल चटा रहा है, धूल चटा रहा है। शर्म की बात है, धूल मरने की बात है। और मेरे सैन आराम से बैठे हैं। हमारे सैनिक पूरी कोशिश कर रहे हैं ग्रेट विमानचो। कोशिश। यही शब्द सुना रहा हूँ मैं। तंग आ चुका हूँ ये शब्द सुनते। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स। जिंदा, मुर्दा। मिल जाएगा। जूनियर जी कोई मामूली बच्चा नहीं है प्रिंसेस अल्फा। लिंडा, तुम नहीं जानती टैंगरी लग रहे की मैजिक विद्या है, धरती की मैजिक साइंस से 100 साल आगे है। जूनियर जी चाहकर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आप फिक्र ना करो, अगर उस जूनियर जी ने हमारे मिशन के रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे मारकर आपके सामने तोहफे के रूप में पेश करूंगी। मिशन शुरू होता है। चिंकारा। क्या टंडिला जो है कि राजकुमारी के पृथ्वी पर राज करने के इरादे पूरे हो पाएंगे? क्या राजकुमारी अल्फा जूनियर जी को कैद कर पाएगी? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, ना होंगे जुल्म के पहरेदार। अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। सुदर्शन आया है अब भर गए जुर्म की गागर जी। थम गए पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।